वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में मिली हार भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। 43वें ओवर की आखिरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल के 2 रन लेते ही करोड़ों भारतीयों का सपना टूट गया। हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। कप्तान रोहित शर्मा तो तुरंत ही ड्रेसिंग रूम के अंदर चले गए, मोहम्मद सिराज मैदान पर ही रोने लगे थे। इस मैच को देखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे थे। अहमदाबाद में विश्व कप 2023 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के पास पहुंचकर उनका दर्द शेयर किया और उन्हें प्रेरित करने की कोशिश की। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने पीएम मोदी के साथ फोटो शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, हमारा टूर्नामेंट बहुत अच्छा था लेकिन कल हम हार गए। हम सभी दुखी हैं लेकिन हमारे लोगों का सपोर्ट हमें आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल ड्रेसिंग रूम में आना विशेष और बहुत प्रेरणादायक था। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी ट्वीट किया, दुर्भाग्य से कल हमारा दिन नहीं था। मैं पूरे टूर्नामेंट में हमारी टीम और मेरा समर्थन करने के लिए सभी भारतीयों को धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष रूप से ड्रेसिंग रूम में आने और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभारी हूं। बता दें, वर्ल्ड कप फाइनल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, प्रिय टीम इंडिया, विश्व कप में आपकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प उल्लेखनीय था। आप बहुत अच्छे जज्बे के साथ खेले और देश को गौरवान्वित किया। हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम को बधाई देते हुए पीएम ने लिखा, विश्व कप में शानदार जीत पर ऑस्ट्रेलिया को बधाई। पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा जिसका समापन शानदार जीत के साथ हुआ। ट्रेविस हेड को आज उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए बधाई। बता दें, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नरेंद्र मोदी ने ही ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को दी। मैच खत्म होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री स्टेडियम में पहुंचे थे। उन्होंने दर्शकों के बीच जाकर मैच भी देखा। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स भी थे।